नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग प्राकृतिक चिकित्सा आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज का विषय रखते हैं बीमारी को पूरे तरीके से खत्म करने का उपाय। प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत अच्छी कहावत है, सर्वे रोगा मलावसा, और इसके बाद बोला जाता है कि इलाज क्या है, लंघनम परम औषधम। सर्वे रोगा मलावसा मतलब सारी बीमारियों का कारण जो है वो है शरीर में मल का वास करना। और जब निदान के बारे में पूछा गया तो बताया गया लंघनम परम औषधम। लंघन का मतलब होता है उपवास, जो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक हो गया है। उपवास में विशेष रूप से वैसा वाला उपवास नहीं है जो सोमवार का शंकर जी के लिए, मंगलवार का हनुमान जी के लिए, बुधवार का गणेश जी के लिए, और इस तरीके से जो एकादशी का या शिवरात्रि का, ऐसे वाले उपवास, ये धार्मिक उपवास हैं, अच्छे हैं। पहले उपवास कराने का यही एक तरीका हुआ करता था कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको किसी भी तरीके से धर्म से जोड़ दिया जाए, तो उनका पालन लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते थे। लेकिन धीरे 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 करके लोगों ने बदल लिया। अब क्या होता है कि उपवास करना होता है लोगों को, शिवरात्रि का उपवास आ रहा है तो 7 दिन पहले से ही तैयारियां होना चालू हो जाती हैं। शिवरात्रि उस दिन है, 16 तारीख को शिवरात्रि है तो 9 तारीख से ही व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी। 16 तारीख को सवेरे ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, फिर जो हमारा सपर्स का टाइम होगा उस समय ये होगा, डिनर के टाइम में हमें ये खाना है, और रात को दूध और उसमें बादाम वदाम डाल करके बादाम शेक टाइप का वो लेना है। मतलब उपवास का मतलब लोगों ने ये कर दिया है कि केवल नमक ना खाओ, बाकी ठूंस ठूंस के खाओ। और उससे भी लोगों का मन नहीं भरा तो बोले नमक में भी सेंधा नमक तो खा सकते हैं। तो उपवास का मतलब ऐसा कभी नहीं रहा। उपवास मूल रूप से उपवास 3 तरीके का होता है। एक होता है आध्यात्मिक उपवास, दूसरा होता है राजनैतिक उपवास, और तीसरा होता है उपचारिक उपवास, थेरेप्यूटिक फास्टिंग। तो आध्यात्मिक उपवास का मतलब होता है ये सोमवार मंगलवार का बुधवार का, ये सोमवार जैसे शंकर जी का दिन है तो शंकर जी के लिए व्रत कर लिया, मंगलवार हनुमान जी का दिन है तो हनुमान जी के लिए व्रत किया, तो ये तो हो जाता आध्यात्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से उपवास। इनका भी अपना लाभ होता अगर हम उपवास का अच्छे तरीके से फॉलोअप करते इनमें। एक होता है राजनैतिक उपवास। राजनैतिक उपवास का मतलब होता है राजनैतिक दबाव बनाने के लिए हम नहीं खाएंगे जब तक हमारी ये वाली बात नहीं मानी जाएगी। जैसे पहले इसको पुराने समय में बोला जाता था कि कोप भवन में चले गए, माता कैकेयी कोप भवन में चली गई, अच्छा हमारी ये वाली बात नहीं मान रहे हो तो हम भोजन नहीं करेंगे। फिर राजनीतिक उपवास आया कि महात्मा गांधी जी अनशन करते थे। राजनीतिक उपवास का मतलब एक तरीके से अनशन, कि हमारी ये बात मानो, हम जो कह रहे हैं उसके लॉजिक्स हैं, वो ज़रूरी हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इस चीज़ को, अब इसको आपको मानना है, अगर आप नहीं मान रहे हो तो जब तक आप नहीं मानोगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। मतलब दूसरे पर दबाव बनाना। और तीसरे प्रकार का जो उपवास होता है वो होता है थेरेप्यूटिक फास्टिंग, उपचारिक उपवास। उपवास करना उपचार के लिए, उपचार के लिए उपवास करना, इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सकों ने बोला लंघनम परम औषधम। मतलब उपवास उपचार के लिए करना, और उस उपचार के लिए उपवास जो टॉपिक है इसमें जो उपवास का मतलब है, वो उपवास का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप जितना खाते हैं उससे कम खाना चालू करें, और कम खाएं और बिल्कुल ना खाएं का मतलब होता है हम सिर्फ पानी
या फिर अगर अकेले पानी पर नहीं रह पा रहे हैं तो पानी के साथ थोड़ा नींबू और थोड़ा शहद ले लिया। अगर हम उस पर भी नहीं रह पा रहे हैं तो हम फलों का रस ले लें, फल ले लें। और पहले पहले जब हम उपवास करना चालू करें तो हम अगर चार रोटी खा रहे हैं तो हम चार रोटी से दो रोटी पर आ जाएं, दो रोटी से एक रोटी पर आ जाएं, हम केवल सब्जियां खा लें, हम केवल अंकुरित खा लें, फिर हम अन्न छोड़ करके केवल फल पर आ जाएं, और फिर बल्क छोड़ करके कम मात्रा में खाना चालू कर दें, और उसके बाद फिर हम सारा अगर छोड़ सकते हैं तो नींबू पानी शहद, और अगर संभव हो जाए तो सिर्फ जल पर उपवास, जलोपवास हो जाए। ये है क्रम उपवास का कि आपके लिए क्या जो आप कर सकते हैं। आप पहले धीमी धीमी गति से, आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन तो आपने आलू के पराठे खाए थे और दूसरे दिन आपने पानी पर उपवास कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जो उपवास है जिसमें आपको कम खाने के लिए हिदायत दी जाती है, इस उपवास को बोला जाता है औपचारिक उपवास। भोजन के लिए एक बहुत अच्छी चीज बोली जाती थी, आहार ही औषधि है। अगर हम आहार को औषधि के रूप में लेते रहते तो हमें आहार छोड़ करके दुनिया भर की इतनी इतनी औषधियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने आहार को औषधि के रूप में लेना छोड़ करके स्वाद के रूप में लेना चालू किया है। स्वादिष्ट बना है, चलो थोड़ा और खा लेते हैं, आज स्वाद अच्छा नहीं है इसलिए आज नहीं खाएंगे। तो ये जो अल्टरेशंस है ना डाइट के, ये अल्टरेशंस ठीक नहीं है। भोजन के लिए तो सीधे सीधे बोला जाता था हितु भूख, मितु भूख और ऋतु भूख, मतलब जो हितकारी हो, मात्रा में कम हो और ऋतु के अनुसार हो, वो भोजन आपके लिए अच्छा है, वो आपके शरीर को अच्छा करने का काम करेगा, वही भोजन करने योग्य है। तो उपवास में अब देखें कि ये उपवास जो है, ये तो हो गई भोजन के उपवास की बात। उपवास करते हुए आप एक दूसरी चीज देखें, हम पता नहीं क्यों जब बीमार पड़ते हैं तो दुनिया भर का खाना चालू कर देते हैं। हमारे घर वाले भी हमको दुनिया भर का ठूंस ठूंस के खिलाते हैं, अरे बीमार हो गए हैं, बीमार हो तो जल्दी रिकवर करोगे इसलिए खाओ। जबकि ये अवस्था हमें जानवरों से सीखनी चाहिए कि जब जानवर बीमार होता है तो वो बता तो नहीं पाता कि हमारे गले में दर्द हो रहा है। भैंस कहे कि हमारे गले में दर्द हो रहा है, हमारे हमको डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं कह सकती। पेट में दर्द हो रहा है हमारे, नहीं कह सकती। क्या करती है गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, ये क्या करते हैं? जब भी ये बीमार पड़ते हैं तो ये उपवास करना चालू कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तभी तो हमें पता लगता है कि भाई ना वो गाय ने आज चारा नहीं खाया, बिल्ली ने आज दूध नहीं पिया, तभी तो हमको पता लगता है कि भाई कुछ तो है जो ये भोजन नहीं कर रही है, और वो कुछ क्या है इसको जानने के लिए हम डॉक्टर को बुलाते हैं, तब डॉक्टर चेक करता है, तब बताता है कि कोई समस्या है। तो वो भोजन को छोड़ देते हैं और हम भोजन की आसक्ति में पड़ जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई भी समस्या हो रही है, तो आप उस समय अगर थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए उपवास लंघन पर चले जाएंगे तो लंघन पर जाते ही आपका शरीर विश्राम की अवस्था में जाएगा। आपका जैसे भोजन से लंघन कर रहे हैं आप, तो आपका पाचन तंत्र विश्राम की अवस्था में जाएगा। लंघन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लंघन चार प्रकार के होते हैं। भोजन से लंघन, बोलने से लंघन, बोलना सुनना शब्द जो होते हैं ना, मौन जिसको बोला जाता है, मौन मतलब शब्दों से लंघन किया है आपने। तीसरा होता है मूवमेंट का लंघन। मूवमेंट मतलब हम दौड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हाथ पैर हिला डुला रहे हैं, ये जो है ये भी अगर हम लंघन पर आ जाएं, मतलब मूवमेंट का लंघन कब होगा? जब हम आसन करेंगे। आसन का मतलब स्थिर सुखम आसनम, हम लंबे समय के लिए एक अवस्था में बैठने का अभ्यास करना चालू करें। और चौथा होता है आपका श्वास का लंघन। श्वास का लंघन, श्वास के लंघन के लिए सीधा नहीं, लंघन का मतलब छोड़ना नहीं है श्वास लेना, मतलब ये कि कम श्वास ली जाए। एक मिनट में जैसे हम पहले, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो 16 से 18 बार सांस भरनी और छोड़नी चाहिए हमें, हम लगभग 20-22 पर तो पहुंच गए हैं।
धीरे धीरे करके। आप एक चीज और देखें कि जो श्वास भरने छोड़ने की क्रिया है वो जो धीमी गति से जिसका श्वसन है वो ज्यादा लंबे समय तक जीता है। जैसे मगरमच्छ जो होता है वो श्वास भरने और छोड़ने की क्रिया उसकी थोड़ी धीमी है, कछुआ जो होता है कछुए की और ज्यादा धीमी है, तो कछुए की उम्र देखो आप बहुत ज्यादा होती है। वही कुत्ता क्या करता है, डॉग ब्रीदिंग, जैसे अपन बोलते हैं ना डॉग ब्रीदिंग, कुत्ते की तरह क्यों हांफ रहे हो, कुत्ते की तरफ क्यों हांफ रहे हो का मतलब यही तो होता है कि कुत्ता एक मिनट में लगभग 40 से 45 50 बार सांस भरता छोड़ता है। ऐसी वाली स्थिति जो होती है इससे बचना है हमको। अगर इससे हमको बचना है तो हमें श्वास का भी लंघन करने की आवश्यकता है। तो भोजन का लंघन, दूसरा शब्दों का लंघन, तीसरा आपके मूवमेंट का लंघन, गति का लंघन, और चौथा आपका श्वास का लंघन। तो अगर ये चार लंघन हम कर देते हैं तब ये लंघनम परम औषधम, ये चार लंघन अगर आपने किए तो आप समझ लो आपने अपने पाचन तंत्र को आराम दिया, आपने बोलना छोड़ा, आपने सुनना छोड़ा, तो आपने पूरे के पूरे ब्रेन को, पूरे के पूरे आपके शरीर को अच्छे तरीके से विश्राम की अवस्था में ले गया। श्वास की गति आपने धीमी करी तो श्वसन का तंत्र जो है वहां से आपको आराम मिला, और जब आपने मूवमेंट जो है वो कम किए, मूवमेंट का कम करने का मतलब होता है कि आप अपने शरीर से ज्यादा काम भी नहीं ले रहे हैं, उस समय विश्राम की अवस्था में है आप, तो विश्राम की अवस्था में है आप, विश्राम कर रहे हैं या फिर आप ऐसे आसन कर रहे हैं जो आपके शरीर को थकाने का काम, आसन कभी थकाने का काम करता भी नहीं है। आसन का मतलब तो होता है तत्व द्वंद्व न विघातम, आसन करना चालू करो और यहां से आपके सारे के सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। हम पता नहीं आसन किस तरीके से करते हैं, हम आसन करते हैं पसीना निकालने के लिए, नहीं है, कहीं गलतियां हैं जहां हम अभी थोड़ा सा चूक रहे हैं। तो आसन का मतलब कभी यह नहीं होता था कि हम पसीना निकालें, ये डायनेमिक आसन है। डायनेमिक आसन का मतलब होता है एक्सरसाइज, व्यायाम। आसन का मतलब होता है स्थिर सुखम आसनम, आपका शरीर बिल्कुल, आप आसन करके जब फ्री हो तो आपका शरीर ऐसा लगे आपको कि हाँ भाई बिल्कुल रिलैक्स है, योगा करके फ्री हुए हैं लेकिन शरीर बिल्कुल तरोताजा लग रहा है, उसको बोलते हैं आसन। तो ये जो चार लंघन है इन लंघन को अगर हम करते हैं तो आप हर प्रकार की बीमारी में पूरे तरीके से स्वस्थ होने के क्रम पर आ जाते हो। आपका शरीर धीरे 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 करके अपनी शक्तियों को दोबारा से बनाना चालू करता है, आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे करके फिर से सुदृढ़ होना चालू हो जाएगा, आपका श्वसन तंत्र धीरे धीरे करके दोबारा से मजबूत होना चालू हो जाएगा, आपकी वाक शक्ति, बोलना हम अनावश्यक ही बोलते रहते हैं, कोई सुन नहीं रहा फिर भी बोल रहे हैं, जहां आवश्यकता नहीं है हमारे सलाह की वहां भी हम सलाह देना चालू कर देते हैं। तो ये चीज जो बोली जाती है कि आप जहां सलाह मांगी जाए अगर वहीं बोलोगे तो आपकी बोली का मतलब होगा, तो आपकी बोली की कदर रखी जाएगी, लोग आपको सुनेंगे। लेकिन जहां बिना कहे आप बोलते हैं, जहां बिना मांगे सप्लाई होती है, वहां सप्लाई का मोल खत्म हो जाता है। तो आपको वाक शक्ति अपनी अच्छी रखनी है। पहले के लोग बहुत कम बोलते थे, इसीलिए जब बोलते थे जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं भस्म हो जाओ, तो वाक शक्ति उनकी बहुत अच्छी हुआ करती थी। बोलने में थोड़ा सा संयम बरतें, जहां आवश्यकता नहीं हो वहां ना बोलें। मौन 24 घंटे में सोने के अलावा, सोने में तो सभी मौन रहते हैं, आजकल तो क्या समस्या भी हो गई, आजकल तो लोग सोने में भी मौन नहीं रह पा रहे, सोने में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मुझे बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आए तो वाइफ कह रही है ये साहब सोने में भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, अगर हस्बैंड लेके आए वाइफ को तो हस्बैंड कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं, समझ में नहीं आता कुछ, नींद प्रॉपर नहीं आ पा रही है,
तो मौन ऐसे समय में जब हम जाग रहे हैं, ऐसे समय में मौन 24 घंटे मतलब एक दिन में एक घंटा जिस समय हम जाग रहे हैं हम कंप्लीट मौन की अवस्था में आए। मौन से वाक शक्ति, बोलने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी होती है। शब्दों का संग्रह अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा है उसका। तो ये दूसरा लंघन हो जाता है। तीसरा है आपका कि अगर आप मूवमेंट का लंघन करते हो, आप गति का लंघन करते हो, आप शरीर को विश्राम की अवस्था में ले जाते हो, तो शरीर जैसे जैसे विश्राम की अवस्था में जाएगा शरीर अपनी सारी की सारी शक्तियों को दोबारा से रिगेन करना चालू करेगा। और जैसे जैसे शरीर की शक्तियां बढ़ेंगी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और जैसे जैसे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे शरीर में बीमारियां स्वतः ही शरीर से दूर होना चालू हो जाएंगी। और जो आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल का फॉलोअप होगा वो आपको लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर नहीं होने देगा। आप अगर लंघन करके ये चीज़ें पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और लंघन में जो आहार का लंघन है, मैंने बताया हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। हितभुक का मतलब जो हमारे लिए हितकारी है, मित का मतलब कम, मितभुक का मतलब भूख से कम, कम खाना, और ऋतुभुक, ऋतुभुक का मतलब ऋतु के हिसाब से जो। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोशिश करें कि अगर संभव हो जाए तो अनाज अगर हम पहले थोड़ा कम कर दें, अगर हम बीमारी की अवस्था में हैं और हम चाह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएं तो हम अनाज थोड़ा कम कर दें और सब्जियों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दें। और सब्जियों में उबली हुई सब्जियां ज़्यादा, मसाले, मिर्च, नमक, चिकनाई, इनका उपयोग अगर हम कम करें सब्जियों में, सब्जी का जो स्वरूप है वो स्वरूप तो हमें दिखाई देना चाहिए। लौकी है तो लौकी के रूप में हमें दिखाई देनी चाहिए। हम उसको बिल्कुल बदल देते हैं, बना बना के पता नहीं क्या बना देते हैं उसको कि लौकी पता नहीं तोरई जैसी लगने लगती है। तो इतना ज़्यादा अगर हम बनाने में अपना पाक कला का उपयोग करेंगे ना तो फिर वो उसके गुण हमको नहीं पहुंचा पाएगी सब्जी, फिर हमको नुकसान होगा उसका। इसका ध्यान रखें। ताजे फल हैं, ताजे फलों को अच्छे तरीके से सलाइन वाटर से धो करके, फिर साफ पानी से धो करके फिर उनको खाया जाए। कच्चा ताजा सलाद खाया जाए। कोशिश करें सलाद अगर आप खा रहे हैं तो खाने के या तो 40 मिनट पहले खा लें और या फिर खाने के लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद खाएं। खाने के साथ सलाद का खाना उपयोग अगर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिन भर में बहुत सारा पानी पिए। पानी जब हम उपवास कर रहे होते हैं, हम भोजन तो नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी अवस्था में जो हम पानी पीते हैं तो शरीर की गंदगियां बहुत आसानी से और बहुत जल्दी निकल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम पूरे तरीके से शरीर को स्वस्थ बनाने के क्रम का पालन करके हम अपने शरीर को इतना अच्छा मजबूत कर सकते हैं कि कोई भी बाहरी विषाणु या जीवाणु आकर के हमारे शरीर को बीमार नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।